तो आज हम बनाएंगे पालक चने की सब्जी। एक बार आप पालक चने की सब्जी इस तरीके से जरूर बना के देखिए, ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 बंच पालक ले लिया है और अब हम इसे ब्लांच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पैन पे गर्म पानी कर लिया है बहुत अच्छे से, और अब हम इसमें पालक को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, तो हम इसे इसमें डाल देंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम अच्छे से पका लेंगे। और अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, पालक जो बहुत अच्छे से पक चुका है, तो अब हम इसे ठंडे पानी में डालेंगे। तो यहाँ पे मैं ठंडा पानी ले लिया है और अब हम इसमें पालक को डालेंगे और इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। और अब हम इसी प्रोसेस को ब्लांच कहते हैं। और अब ये ठंडा हो चुका है और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे पालक को ग्राइंड कर लिया है और मैंने यहाँ पे चने को बॉईल कर लिया है, जिसे मैंने रात भर पानी में भिगो लिया था, और इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाल के मैंने इसे 5 सीटी आने तक इसे अच्छे से पका लिया है। और हमारा चना भी बहुत अच्छे से रेडी है और अब हम इसे छान लेंगे। तो यहाँ पे मैंने चने को भी छान लिया है और यहाँ पे मैंने एक पैन पे बड़ा चम्मच ऑयल ले लिया है। हम इसमें 1 टेबल स्पून सरसों डाल देंगे और सरसों को हम चटकने देंगे। और यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च ले ली जिसे बारीक कट कर लिया है, और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून ग्रेटेड मैंने जिंजर और गार्लिक ले लिया है। और अब हम इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे जिससे इसका कच्चापन चला जाए। और यहाँ पे मैंने एक प्याज ले लिया जिसे बारीक कट कर लिया है, और अब हम इसे भी थोड़ा सॉफ्ट होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे प्याज भी है, थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा टमाटर ले लिया जिसे बारीक कट कर लिया है, और अब हम टमाटर को भी सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। और अब आप देख सकते हैं टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर ले लिया, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून गरम मसाला, और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून बेसन ले लिया है। और अब हम सारे मसाले को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और अब सारे मसाले भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, और यहाँ पे मैंने जो पालक प्यूरी तैयार करके रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। और इसमें मैं थोड़ा सा 1/2 ग्लास पानी डाल के जार में मैंने पानी ले लिया, और अब हम इसे भी इसमें डाल देंगे। और 1 टेबल स्पून नमक, नमक आप अपने अकॉर्डिंग डालें। और यहाँ पे मैंने बॉईल किए हुए चने को भी इसमें हम डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मुझे पानी इसमें कम लग रहा है, तो इसमें मैंने 1/2 कप और मैंने गर्म पानी ले लिया है, और अब हम इसे इसमें डाल देंगे और इसे लो फ्लेम पे 5 मिनट्स के लिए ढक के पकने देंगे। और अब 5 मिनट्स हो चुके हैं, हम इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एक बार अगर आप जब भी ये वीडियो देखें तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। और पालक जिसे नहीं भी पसंद है वो भी इसे ज़रूर खाएगा। और अभी सब्जी कंप्लीट नहीं हुआ है, हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने तड़का पैन पे 1 टेबल स्पून घी ले लिया है, और यहाँ पे मैंने 4 से 5 लहसुन ले लिया जिसे बारीक कट कर लिया है, और 1 टेबल स्पून तिल, और यहाँ पे मैंने 2 लाल मिर्च ले लिया, हम इसे डाल देंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और अब हमारा तड़का भी बहुत अच्छे से तैयार है, और हम तड़के को पालक चने की सब्जी में डालेंगे और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब तड़का भी बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है और हमारा पालक चने की सब्जी बिल्कुल तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।